दोस्तों मेरा नाम एमडी जीशान है ना, और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीशान टेक पावर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और उनके उन पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं। दोस्तों ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट भी करना। स्टार डेल्टा स्टार्टर ये मैंने अपने हाथों से ही बनाया है, जुगाड़ करके इसमें फिट करा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये ऑन बटन होता है इसका, और ये पुश बटन ऑफ पुश बटन होता है, और ये इंडिकेटर होते हैं दो, जो आपको एक ट्रिप लैंप है और एक इसमें इंडिकेशन है जो आपको ऑन होकर ऑन होने पर दिखाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक NO और एक NC की ज़रूरत पड़ेगी, वहीं पर आपको एक पुश बटन, ऑन पुश बटन और एक ऑफ पुश बटन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपको एक कॉन्टेक्टर जो होता है, जो भी अपने मोटर के लोड के हिसाब से कॉन्टेक्टर लेना है, उसके अंदर तीन कॉन्टेक्टर लगते हैं, जिसका पहला कॉन्टेक्टर होता है मेन, दूसरा होता है डेल्टा और तीसरा होता है स्टार। और उसी के साथ में आपको टाइमर की ज़रूरत पड़ेगी। टाइमर ये होता है कि इसके इंटरलॉकिंग होती है टाइमर के थ्रू, इंटरलॉकिंग भी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। इंटरलॉकिंग होने के बाद में पहले आपका मेन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका स्टार का ऑन होगा, उसके बाद में आपका डेल्टा का ऑन होगा, तब जाके आपकी मोटर चलेगी स्टार डेल्टा में। दोस्तों इसकी वायरिंग जो होती है वो आपकी टाइमर के थ्रू होती है, यह आपकी कंट्रोलिंग की MCB हो गई, और ये आपकी हो गई OLR ओवरलोड रिले। ये अपने मोटर के हिसाब से आप कितनी भी रख सकते हो, कितने एम्पियर की आप, कितने HP की आपकी मोटर है उसके हिसाब से आप इसको रख सकते हो। वैसे ही आप कॉन्टेक्टर रख सकते हो, वैसे ही MCB मेन MCB रख सकते हो। ये आपकी मेन MCB, यहाँ से आपकी 3-phase सप्लाई जाएगी और इससे आउटपुट से निकलेगी। इससे आउटपुट से निकलने के बाद में आपकी मेन कॉन्टेक्टर में आ जाएगी, और मेन कॉन्टेक्टर से आपकी डेल्टा के अंदर आ जाएगी, और स्टार आपका शॉर्ट रहेगा ऊपर से, शॉर्ट भी हम आपको बताएंगे क्यों रहता है। और नीचे से इसकी लूपिंग जो होगी वो यहाँ से होके डेल्टा के नीचे की साइड में जाएगी। आपके तीन मोटर के तार यहाँ पर लगेंगे और तीन तार आपके डेल्टा के यहाँ पर लगेंगे नीचे। तो दोस्तों मैं आपको इसको अगली वीडियो में बनाकर भी दिखाऊंगा कैसे ये बनता है, अभी तो मैं आपको इसके नाम बता देता हूँ। ये होता है कॉन्टेक्टर, ये होती है एडन ब्लॉक, और ये होता है OLR ओवरलोड रिले, ये होती है टाइमर, ये होता है MCB, ये होता है थ्री फोर पोल MCB, ये होता है NO, ये होता है NC, ये होता है पुश बटन, ये भी पुश बटन, ये होता है इंडिकेटर, और बाकी इसमें वायरिंग है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपको इसकी वायरिंग करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।